हाय एवरीवन, पर्यावरण दिवस पर आज मैं आपसे शेयर करूंगी अपनी कुछ कविताएं। तरक्की और टेक्नोलॉजी की आड़ में जो क्षति हमने प्रकृति को पहुंचाई है, उसके परिणाम आज हमारे सामने हैं। इसी विषय से जुड़ी हुई एक कविता। कहां रहे अब वो बोधि वृक्ष, बैठकर जहां बुद्ध कोई नया बोधिस्तव प्राप्त कर सके। कहां रहे अब वो बोधि वृक्ष, बैठकर जहां बुद्ध कोई नया बोधिस्तव प्राप्त कर सके। सिमटती जा रही सरिता भी, सूख रहे हैं झरने सारे, बैठकर जिसके किनारे गीत कोई नया हम भी रच सके। नीला सा वह नीलकंठ सुनहरी सी सोच रहा, नीला सा वह नीलकंठ सुनहरी सी सोच रहा, दिखते कहीं नहीं चुलबुले पंछी प्यारे। अब तो सिर्फ खामोशी है एक ठहरी हुई हर ओर, अब तो सिर्फ खामोशी है एक ठहरी हुई, इंसान तूने यह क्या किया रे। आपने देखा, वी आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, मिलियंस ऑफ बर्ड्स आर डाइंग विद फैटल रेडिएशंस। इसी विषय पर एक और कविता। एक दिन सब बंधनों से आजाद उन मुक्त आकाश उड़ूंगी, एक दिन सब बंधनों से आजाद उन मुक्त आकाश उड़ूंगी, हवाओं संग बहूंगी बस अपने मन की सुनूंगी, अगले जन्म जब पंछी बनूंगी। पेड़ की सबसे ऊंची फुनगी पर फूलों संग खेलूंगी, घने पत्तों के झुरमुट में अपना नीड़ बुनूंगी। पेड़ की सबसे ऊंची फुनगी पर खिले फूलों संग खेलूंगी, घने पत्तों के झुरमुट में अपना नीड़ बुनूंगी, अगले जन्म जब पंछी बनूंगी। लेकिन सोचती हूँ, पंछी बनकर भी सपने अपने कभी सच कर सकूंगी। लेकिन सोचती हूँ, पंछी बनकर भी सपने अपने कभी सच कर सकूंगी। ख्यालों से बड़े चिनार देवदार सुंदर वृक्ष खोज सकूंगी। दिन प्रतिदिन घट रहे कट रहे जंगलों को देख नहीं लगता किसी दिन पंछी बन सकूंगी। दिन प्रतिदिन घट रहे कट रहे जंगलों को देख नहीं लगता किसी दिन पंछी बन सकूंगी। जहरीली तरंगों के विस्तीर्ण में चिड़िया फाकता बुलबुल या कोई और परिंदा बन सकूंगी। एक आखिरी कविता, शीर्षक है काट का ढेर। पेड़ कटे जंगल साफ हुआ, पहाड़ हटे समंदर भी समझो सिमट सा गया। पेड़ कटे जंगल साफ हुआ, पहाड़ हटे समंदर भी समझो सिमट सा गया। जमीन की तहें खोद खोद कर खड़ी कर डाली हैं हमने ऊंची इमारतें, फिर भी लेकिन इंसान की फितरत का कुछ न हुआ। जंगल पेड़ पहाड़ समंदर नहीं गले, खुद ही भीतर तक गल गया है आदमी। जंगल पेड़ पहाड़ समंदर नहीं गले, खुद ही भीतर तक गल गया है आदमी। खो गई हैं सब छोटी छोटी खुशियां जो जोड़े थी हमें जंगल पेड़ पहाड़ समंदर के साथ।
तन्हाई का यह आलम, ऊंची इमारतों में कैद पर कटा सा परिंदा हो गया है आदमी। तन्हाई का यह आलम, ऊंची इमारतों में कैद पर कटा सा परिंदा हो गया है आदमी। जंगल, पेड़, पहाड़, समंदर के साथ साथ जड़ों से ही कटा हुआ काट का ढेर हो गया है आदमी। थैंक यू, दैट इज ऑल फॉर टुडे।